हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आरआरबी और आरआरसी दोस्तों क्या होती हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ इन्हें ख़त्म करने की अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। और इनके ख़त्म होने पर दोस्तों क्या रेलवे की जितनी भी सारी भर्तियाँ जो अभी होनी हैं या जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो सारी रद्द हो जाएंगी। और दोस्तों क्या अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा। और दोस्तों एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी दोस्तों अभी अटका हुआ है, पिछली भर्तियां भी दोस्तों अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो क्या इन पर दोस्तों संकट आ सकता है। तो चलिए दोस्तों सबके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें कि आरआरबी और आरआरसी इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या है, तो देखिए दोस्तों आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो इसका दोस्तों ये जो आरआरबी है ये दोस्तों मेन एग्ज़ाम कराती है दोस्तों टेक्निकल लेवल पे, जैसे दोस्तों लोको पायलट हो गया हमारा, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी हो गया, यानी कि जो बड़ी बड़ी ग्रुप सी की भर्तियाँ या बी की भर्तियाँ हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जेई के एग्ज़ाम हो गए हैं, इसके अलावा एसएससी के एग्ज़ाम हो गए हैं दोस्तों, इंजीनियर लेवल के जो बीटेक से दोस्तों डिग्री करते हैं उनके लिए एग्ज़ाम होगा। तो ये दोस्तों मेन ग्रुप बी और सी के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये सारी भर्तियाँ कराता है। और सारे जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो अपने दोस्तों डिपार्टमेंटल लेवल पे हों, वो भी सारे दोस्तों ये देख रेख करता है, सारा मैनेज आरआरबी का ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें आरआरसी, तो दोस्तों जो ग्रुप डी की भर्तियाँ होती हैं, जैसे गैंगमैन, पॉइंटमैन, इस तरीके से हेल्पर, तो ये जितनी भी ग्रुप डी की भर्तियाँ होती हैं जिसमें दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगा जाता है, तो ये सारी भर्तियाँ दोस्तों आरआरसी ही कराता है। लेकिन दोस्तों 2018 में क्या हुआ कि ये ग्रुप डी की भर्तियाँ भी दोस्तों आरआरबी ने कराई। लेकिन अगर हम बात करें कि 2019 की जो 1 लाख की वैकेंसी आई थी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की, वो आरआरसी ही आप लोगों का कराएगा। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया कि आरआरसी जो है वो ग्रुप डी की भर्ती ही कराता है। अगर हम बात करें कि जो अभी जो आरआरबी और आरआरसी को दोस्तों ख़त्म करने की बात चल रही है, तो क्या दोस्तों इसके ख़त्म होने पर हमारे जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है और दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, तो दोस्तों इन पर कोई संकट आएगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि चाहे आरआरबी हो चाहे आरआरसी हो, अगर ये दोनों ख़त्म हो भी जाती हैं, तो देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, एनटीपीसी का तो टायर वन भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो देखिए दोस्तों अगर नोटिफिकेशन आया है तो उसमें अब कुछ चेंजेस नहीं होगा, आपका ये एग्ज़ाम होना ही है, क्योंकि दोस्तों 1 लाख पदों पर भर्ती हैं और ये बहुत समय बाद यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में वैकेंसी निकली हैं। तो आपका ये जो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो देखिए 100% चांस है कि एग्ज़ाम तो होगा ही, चाहे आरआरबी ख़त्म हो या ना हो। अगर आरआरबी ख़त्म भी हो जाती है दोस्तों, तो भी ये इसे अपना जो दोस्तों अपना कार्यकाल है उसे पूरा करने का मौका मिलेगा, इसे अपना एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट कराना ही होगा, उसके बाद ही ये आरआरबी या आरआरसी ख़त्म होंगी। दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि आरआरबी और आरआरसी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल से दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप अगर चिंता करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। आप बस अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, आपका एग्ज़ाम अभी नहीं तो 2022 में आपका एग्ज़ाम कंफर्म होने वाला है आरआरबी दोस्तों ग्रुप डी का, इससे पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारी स्लॉट जो है वो एसएससी ने बुक कर रखी हुई है 16 दिसंबर तक के लिए, ठीक है ना। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो अगले साल ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम, तो हाँ दोस्तों एनटीपीसी का रिज़ल्ट अभी दोस्तों अक्टूबर या नवंबर से पहले नहीं आ सकता, तो आप सारे एग्ज़ाम 2022 में भी होंगे। आप दोस्तों इस पर बिल्कुल अब्बाई वाली बातें हैं सारी, हो या ना हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी दोस्तों नौकरी से मतलब है, हम तो बस तैयारी करें, एग्ज़ाम तो आपका कन्फर्म होगा, इस पर आप ध्यान दीजिए बस। थैंक यू दोस्तों।